ये कितनी भगा ले, नॉर्मल चला रहा हूँ मैं, और नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी मेरी। 1 2 3 अब क्या देखता हूँ क्या जीतेगी भाई ये। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हमारे साथ है फिर से दो कार ड्रैग रेस के लिए, और एक ही कंपनी के हैं दो कार। एक है इसका भैया और एक है इसकी बहन। भाई तो ऐसा लगता है कि पंच है, टाटा पंच है, और एक है अपनी टाटा एल्ट्रोज, और टाटा एल्ट्रोज अपनी टर्मो में। लेकिन टाटा एल्ट्रोज के ओनर यहाँ हो जाओ, टाटा एल्ट्रोज के ओनर है सचिन चौधरी, और ये है नॉर्मल अपनी, ये है टर्बो। लेकिन इसका हम टर्बो नहीं लगाएंगे, क्योंकि टर्बो में भाई साहब इसने जिमनी को हरा दिया, और ये टर्बो में है मतलब बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी हराने के लिए, जैसे वरना वगैरह, ये वरना को भी हरा देंगे। हाँ हो जाते हैं, पर इसके इनिशियल अच्छे हैं। हाँ वो भी मुझे भी पता है कि इस वाली पंच से तो अल्ट्रोज जीत जाएगी, क्योंकि पुरानी वाली पंच है जो फर्स्ट सेकंड स्लॉट में आई थी, और उसमें दिक्कत है। नई वाली पंच जिमनी को हरा देती है, जो अब नहीं आ रही है, ये तो हार ही जाएगी अल्ट्रोज से, जो मुझे लगता है। तुझे क्या लगता है, अल्ट्रोज जीत जाएगी? नॉर्मल मोड, कोई टर्बो मोड नहीं लगेगा? सिटी मोड लगा देंगे, नई स्पोर्ट लगा देंगे। हाँ भाई नहीं नहीं, विदाउट वैसे भी जहाँ तक है वही जीतेगी, वही जीतेगी। हाँ तो वास्तव कौन सी चलाएगा तू गाड़ी? पता, तू बता। मैं तो एल्ट्रोस चलाऊंगा। ठीक है भाई, तो फिर तो भाई मैं जीतता, हमेशा जीतता हूँ। तो भाई 3 राउंड लेंगे, दोनों एक ही कंपनी की कार है, एक ही इंजन है, बस इसमें टर्बो है, इसमें टर्बो नहीं है। और अगर नॉर्मल एल्ट्रोस देखे तो 84 BHP आती है उसकी भी, बस सेम इंजन है, बस ट्यून। हाँ हाँ उसी के तो पैसे गए हैं। तो अब 3 राउंड लेंगे, जो भी 2 जीत जाएगी वो जीत जाएगी, उसका हम रिजल्ट बता देंगे कौन जीत गई। तो स्टार्ट करें डन। तो भाई सबसे पहले हम इसके एसी हमने ऑफ कर दिया है, और अब की बार मैं चला रहा हूँ एल्ट्रोस नॉर्मल मोड पे। इसमें हम स्पोर्ट्स मोड लगाएंगे, तो स्पोर्ट्स मोड पे तो जीत ही जाएगी, इसलिए क्योंकि साइड में है पंच, वो नॉर्मल कार है, तो हम चला रहे हैं नॉर्मल। और फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न पे। 1 2 3 भाई हार गई, ये देखो पीछे आ रही है। ये कितनी भगा ले, नॉर्मल चला रहा हूं मैं, और नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी मेरी। हार गई पंच फर्स्ट राउंड में नॉर्मल मोड पे, एल्ट्रोस से पंच हार चुकी है। मतलब अगर देखी जाए नॉर्मल एल्ट्रोस और नॉर्मल पंच, तो उस ड्रैग रेस की विजेता होगी एल्ट्रोस। फर्स्ट राउंड में हम जीत चुके हैं, और सेकंड राउंड भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि मुझे पता लग जाती है फर्स्ट राउंड से कि वो जीतेगी या नहीं जीतेगी। सो अब सेकंड राउंड लेते हैं। एनी कोई एक्सक्यूजेस? अच्छी थी, बम्पर टू बम्पर रही। अरे नॉर्मल चला रहा था मैं, मतलब कैमरा पर आराम से बात करता, वो हराया तो बात ही करता हूं। नहीं जब अगर मेरे हाथ में कैमरा ना, फिर तो मेरा पूरा फोकस आरपीएम और गियर पर रहता, कब बदलना है। सेकंड राउंड में यार कोई इधर आ जाओ, अब एक राउंड के लिए तो अब ना ना ज्यादा गैप से आ रहेगा ना तू। तो भाई अब सेकंड राउंड लेते हैं, वैसे तो एल्ट्रोज ही जीतनी है, ये तो कुछ एक राउंड होना और मेरे को करने दो। जब भी हारेगा भाई, सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि वो जीत सके, वो नहीं जीतेगी इसे, क्योंकि मैं भी चला रहा हूँ और एल्ट्रोज भी है। चले वही तो कर रहा हूं यार, जब भी हारता तू। 1 2 3 ओ भाई टक्कर दे रही है, ये राउंड जो हमारा फेल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे सर? भाई वो तो गाड़ी आ गई थी, कौन सी गाड़ी आ गई थी? वो टैक्सी जो थी, टैक्सी थी। यार क्या पता लग रहा है ना कि ये क्या एक्सक्यूजेस है यार। तो आपने देखा नहीं शीशे में हम रुक गए थे? देखा भाई। भाई अब तो जल्दी कर, राउंड करो, शुरू करो, राउंड 3 कर लेते हैं भाई। राउंड 2 अरे तीसरा ही मान ले, क्यों मान ले? तो भाई अब स्टार्ट करते हैं राउंड 2। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 ओ भाई दूसरे मोड
फ्री आपने लैग दे दिया, लैग दे दिया, अब क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर पर वो नहीं मानेंगे, अब वो नहीं मानेंगे भाई, पंच जीत गई, अब वो नहीं मानेंगे, देख लेना। नहीं मैं तो कह भी नहीं रहा, जीत गए ना जीत गए, आपने लैग दे दिया था, गेयर नहीं डाला तो कोई बात नहीं, इस बार तो पंच जीत गई यार, पंच भी जीत जाती है यार, पिछली बार तो बड़े आराम से जीती थी, लेकिन थर्ड राउंड से पता लग जाएगा कौन जीती है। रहा है कागों का थर्ड राउंड पता लग जाए कौन जीतेगी, कोयल हो थर्ड राउंड में पता लग जाए कौन जीतेगी, कैमरामैन भी छीन लिया, अबे भाई वो पता है, सुन अरे सुन, गियर नहीं डाला, शक्ल देख रहे थे मेरी, नहीं नहीं अबे वो सही गियर डाला था, गियर नहीं डाला, नहीं सही गियर डाला था, ड्रॉबैक पता इसका क्या हुआ था, इसमें 100 किलो वजन और बढ़ गया, लो मेरा वजन बता रहे, तो बहुत ही, मैं तो चलो एक्सक्यूज ना, ये तो एक्सक्यूज दे रहे गंदे, चल भाई थर्ड राउंड ले ले, फोर्थ लेंगे फिर, फोर्थ ओ फोर्थ लेंगे, अरे ये चलाएगा ना फिर, ना थर्ड मैं यही चलाऊंगा, इसे तो मैं ही चलाऊंगा, तो मैं उसमें जा रहा हूँ, ना ना भेज, मैं उसमें जा रहा हूँ ना, इस तुझे बिठा कर रहूंगा, अरे ये क्या बात है, तुझे बिठा कर रहा दूंगा। तो भाई हम करेंगे थर्ड राउंड स्टार्ट, इससे पता लग जाएगी, एक जीत गई पंच और एक जीत गई अल्ट्रोस, तो थर्ड राउंड से पता लगेगा कि विनर कौन है, और अभी हम थोड़ा सा रोड खाली होने की वेट कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट राउंड होगा, तो भाई थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं, तीन हॉर्न पे, 1 2 3 अब क्या देखता हूँ क्या जीतेगी भाई, ये भाई जीत गई पंच, और क्या तो लॉन्चिंग वगैरह सब ठीक थी, मतलब एक ही गलती है, वजन मेरा, इसमें वजन बढ़ गया, नहीं ये अगर देखी जाए साइंटिफिकली बिल्कुल, तो ये वजन बढ़ने की वजह से ही हुआ है, 100 किलो वजन, पहला राउंड तो ये जीती थी, हाँ वरना ये जीत गई थी और वो हार गई थी, तो लगभग सेम पावर है, जब उसमें कोई तू जा, या तो तू वो है, मैं ज्यादा हूँ ना, तो क्या बोलता है, अरे क्या बोलते हैं, पनौती जिसमें बैठ जाता वही हारती है, और तू भी चलाएगा जब भी हारेगी, और इतनी गारंटी कह रहा हूँ अगर इसमें से सिर्फ एक बंदा चलाएगा तो ये जीत जाती है, अरे ये भी क्योंकि बराबर डिफरेंस क्या है दोनों गाड़ियों का, वेट डिफरेंस तो लगभग दोनों बराबर हैं गाड़ी, अरे में व्हील भी तो डल रहे हैं एक्स्ट्रा 17 इंच के हैवी वाले, तो वो भी तो परफॉर्मेंस कम करेंगे, स्पोर्ट्स मोड पे लगा करा दूं, अगर सिंगल करूंगा तो जीत जाएगी, ये सेकंड गियर में दम तोड़ देती है वो बगली है, वो भी तो वो बहुत बुरा तोड़ती है, वो दिल्ली तोड़ती है सीधा, हां वो तो दिल्ली पर आपके पास कोई एक्सक्यूजेस, ये वेट डिफरेंस, वेट डिफरेंस, क्या वेट डिफरेंस, एक तो मेरे टायर अलग है, हाँ। एक मेरा वजन ज्यादा, एक वजन जो है भाई 100 किलो ऐड हुआ है भाई, एक्सेप्ट नहीं, एक बार भी यूं नहीं कह रहे हमारी गाड़ी हार गई, वेट डिफरेंस, कैमरामैन आ गया, एक बार मैं गारंटी कह रहा हूं कि जीत के दिखा दियो अगर बंदा इसमें से ना हो, आ जा सचिन, चलो भाई ये लास्ट राउंड, ये हम फोर्थ राउंड ले रहे हैं क्योंकि इसमें बंदा बैठा था वो हटा दिया, स्टार्ट करते हैं थर्ड, फोर्थ राउंड है, 1 2 3 लो बड़े आराम से आ रही है, बड़े आराम से हारेगी है, हार गई, अब दिख भी नहीं रही कहाँ है, पता नहीं कहाँ है पंच, मैं कह रहा था ना ये वेट डिफरेंस का, इसमें जो बंदा बैठा था उसको वेट अच्छा खासा है इसलिए हार रही थी, वरना लॉन्चिंग और अल्ट्रोस की पावर में कोई वो नहीं है कि हाँ भाई ये हारे, लेकिन अब क्या करें, अब हरा दिए बेचारे को, एक्सक्यूज नहीं दे रहा था, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा था कि इस वजह से हार रही है और अब जीत गई, अगर मैं भी उसमें से हट जाऊं तो ये दोनों बराबर भागेंगे, अगर सचिन ही हट जाए तो दोनों बराबर भागेंगे, दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है, सिटी ड्राइव पे सेम है लेकिन अल्ट्रोस में है थोड़ा, पर इनिशियल इसके इनिशियल देखा जाए तो अल्ट्रोस ही जीती है, देखा जाए भाई मैं इतनी बता रहा हूँ, वो एक दो बार लॉन्चिंग में भी दिक्कत हुई थी, तू यूं नहीं देख रहा कि बिल्कुल ही सेम चल रही थी अब भी, हाँ, तुझे बैठाने के बाद भी तो फिर तो सेम ही आएगी, मैं हट जाऊंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो भाई ड्राइव रेस हो चुकी है खत्म, और अगर ये रेस कुछ अनोखी हुई है क्योंकि दो ये जीत गए लेकिन वो जीत कैसे रही है, अगर दो राउंड में सचिन इसमें बैठा था तो ये हार गई, दो राउंड में सचिन इसमें बैठा था तो ये हार गई, मतलब ये मत समझना कि वो पनौती है, ये है सारा वेट डिफरेंस का खेल,
दोनों की सेम पावर है, मतलब अगर इसे सिटी मोड पे चलाते टर्बो पे नहीं चलाते तो इसकी और इसकी सेम पावर है, इसलिए दोनों आपस में बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है, कभी ये आगे कभी ये आगे, लेकिन जैसे ही किसी में वेट बढ़ जाता है वो ही हार जाती है और दूसरी वाली जीत जाती है। दो राउंड ये जीत गई जब इसमें मैं अकेला चला रहा था, दो राउंड ये जीत गई जब इसे वासु अकेला चला रहा था। तो अगर देखी जाए तो इसकी पावर सेम है और भगने में भी सेम है अगर नॉर्मल चलाओ तो विदाउट टर्बो एल्ट्रोज को। तो इसका वैसे कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि कौन सी जीती। एक बार हम ऐसा करेंगे कि दो बंदे ले आएंगे सेम वेट के, सेम वेट के चार बंदे मतलब सेम वेट के ही होंगे और दोनों में बैठेंगे दो दो, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला भी चाहिए, तो जब पता लगेगा कि अपनी असली विनर है कौन। अभी तो फिलहाल यही है कि इंजन वगैरह इसका सब सेम है और पावर फिगर सेम है, दोनों ही जीती हैं, दोनों ही हारी हैं, देख लो अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लगे वो देख लें। सिंगल पे दोनों सेम, हाँ सिंगल सिंगल पे वैसे देखा जाए तो सेम है, तू ही तो बस चेंज हो रहा था, जैसे उस वजह से वो हार रही थी। तो भाई इस ड्रैग रेस के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।